और अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो उस पर राहुल ने इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले में मुझे बात नहीं करनी है। एक वीडियो भी सामने आया था जहां हंगामे की खबर देखने को मिली और उससे पहले जब संसद में ये मुद्दा उठा था उसको लेकर भी काफी बवाल कटता दिखाई दिया। अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे चन्नी के बयान पर राहुल ने बोलने से इनकार किया। अमृतपाल के सवाल पर कहा कि मुझे इस मामले में बात ही नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल की चुप्पी इस पूरे मामले में क्यों है, इस पूरे मामले में कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है। चन्नी के बयान पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बात ही नहीं करनी है। तो अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। खालिस्तान का समर्थन करने का यहाँ पर बयान भी सामने आया, कहा गया कि समर्थन किया जा रहा है और जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कहा गया मुझे बात ही नहीं करनी है। तो देखा आपने, जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी थे तो वो जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन सदन के अंदर उकसाते हुए भी नजर आए थे राहुल गांधी। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन कुछ लोगों का खालिस्तानी प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि सदन के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी इतनी बड़ी बात कह देते हैं और उसके बाद कोई कांग्रेस नेता इस पर माफी मांगने भी नहीं आता। आखिर इस तरह की उकसावे की राजनीति कब तक चलेगी, बड़ा सवाल है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक माफी नहीं मांगी गई। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप और तो और संसद में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्ला कर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर अब ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर MSP तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर ना पूछे। गरीबों पे बात की है मैंने, किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप MSP की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निकलते बन रखी है न उगलते, और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने भी चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने एक तो लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते। पार्टी आपकी, सांसद आपका, लेकिन जब फंसने लगे तो निजी विचार बता दो। अगर कांग्रेस किसी भी तरह खालिस्तान के साथ नहीं तो अब तक माफी क्यों नहीं मांग ली। हर मुद्दे पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनके कानों तक चन्नी के ये विचार नहीं पहुंचे? उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खालिस्तानियों को समर्थक बता रही है। एक XCM हो जो वो बिल्कुल ही एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी NSA किसानों पे लगा हुआ है, और NSA किस पे लगा हुआ है, जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहरे कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी को जवाब तो सदन में ही मिल गया, रवनीत बिट्टू ने फुल क्लास लगा दी, लेकिन अब मांग हो रही है राहुल गांधी से
बयान को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं से केस पर स्पष्टीकरण तो दें, साथ ही माफी भी मांगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह तीसरी बार असफल राहुल गांधी पर निर्भर है कि वे स्पष्टीकरण दें और माफी मांगे। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा एक गंभीर मामला है। जयराम रमेश की पोस्ट आखिरी शब्द नहीं हो सकती। पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन चन्नी के बयान पर राहुल से लेकर सोनिया, खड़गे से लेकर प्रियंका ने न तो कोई पोस्ट किया और न ही कोई बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल को समर्थन करने की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब का इतिहास गवाह है कि खालिस्तान को पहले खाद पानी देने और फिर उसे कुचलने की कोशिश में पंजाब दशकों तक जलता रहा है और उसकी तपिश आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगातार लंबे वक्त से पुलिस वाले वसूली गैंग की तरह काम कर रहे थे। वो बॉर्डर से आने जाने वाले ट्रकों से 500 रुपए की वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए, जिसके बाद अब एक थाने के लगभग सभी पुलिसकर्मी नप चुके हैं। लेकिन सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उनके निर्देश पर अब बलिया एसपी और एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। खाकी के खिलाफ खाकी की छापेमारी और हुआ बड़ा खुलासा, क्योंकि यूपी बिहार बॉर्डर पर होती थी अवैध वसूली। यूपी बिहार बॉर्डर पर बलिया जिले का ये है नरही थाना। बताते हैं कि मोटे माल के चक्कर में एसओ साहब ने लूट मचा रखी थी। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को पार कराते थे। इसके लिए बकायदा सबके रेट फिक्स थे। एसओ नरही के इस कांड की सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची, फिर तय हुआ इस गलत काम को बंद कराने का काम। इसके लिए पहले रेकी की गई और फिर एडीजे वाराणसी के साथ एसटीएफ की टीम ने आधी रात को छापा मारा। नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिस कर्मी उसमें संलिप्त हैं। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को लेकर बॉर्डर पार करने के मामले को लेकर दो पुलिस कर्मियों समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। नरही थाना अध्यक्ष तो मौके से ही फरार हो गया, जबकि कोरंटा डी नाम की पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के एक्शन की बात करें तो नरही पन्नेलाल सस्पेंड किए गए, एसओ नरही का सरकारी कमरा सीज किया गया, 3 पुलिसकर्मी समेत 16 दलाल गिरफ्तार किए गए, आरोपी 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई, पकड़े गए 16 दलालों पर भी एफआईआर दर्ज हुई, अवैध वसूली की रकम भी बरामद की गई, 50 मोबाइल और वसूली रजिस्टर बरामद किए गए। काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे, पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। डीआईजी आजमगढ़ ने बताया कि बीते कुछ समय से नरही इलाके के बरौली तिराहे पर यूपी और बिहार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसके बाद एडीजी जोन वाराणसी के साथ मिलकर सिविल ड्रेस में यहां रेकी की गई और इसके बाद अच्छे से प्लान तैयार कर यहां छापा मारा गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की टीम जब बरौली तिराहे पर पहुंची तो वहां 2 पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। टीम ने जब कार्रवाई की और हिरासत में लिया तो 3 पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीम बरौली तिराहे से आगे कोरंटा डी चौकी पर पहुंची,
तो यहाँ भी चौकी के पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। यहाँ एसटीएफ की टीम ने एक पुलिसकर्मी और एक दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के इस एक्शन से एक बड़ा संदेश भी गया है कि गलत काम जो भी करेगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री का एक्शन जारी है। जैसे ही शिकायत मिली, मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद एक्शन भी लिया जा रहा है। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं कि खबर क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया। बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए एसओ सहित 18 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। इतना ही नहीं, अवैध वसूली में पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे थे, पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मी समेत 16 दलाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर ट्रक से 500 रुपए वसूली किया करते थे, 500 रुपए लिया करते थे, और इसके बाद पकड़े गए 16 दलालों पर भी FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा ADG वाराणसी, DIG आजमगढ़ का छापा पड़ा जब जैसे ही मामले की जानकारी सामने आई। तो एक तरफ खाकी पर योगी का अंटर चल रहा है, वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि CM आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जहां लखनऊ मंडल के जो तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि दोनों डिप्टी CM अब तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। CM आवास पर ये बैठक शुरू हो चुकी है, लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ अहम चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैठक में दोनों डिप्टी CM अभी तक नहीं पहुंचे। उन्होंने दूरी बनाई हुई है, हालांकि वजह क्या है इसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, बहुत तेजी से स्विफ्ट एक्शन के मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले जैसा प्रगति आपको बता रही थी कि खाकी पर भी कार्रवाई चल रही है, और इस तरह से जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन पर एक्शन लेने की बात कल भी की गई थी, कल उसके लिए बकायदा बैठक हुई थी, और आज भी लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक हो रही है अनामिका, लेकिन दोनों डिप्टी CM दूरी बनाए हुए हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि सवाल पूछे गए थे उस वक्त कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ अगर बैठक की है तो डिप्टी CM क्यों नहीं थे, तो सफाई ये दी गई थी क्योंकि ये प्रभारी मंत्रियों की बैठक थी उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में डिप्टी CM के पास फिलहाल उपचुनाव को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उन लोगों